So Rams, इस केस में सेम पैटर्न सेम एज प्रीवियस सेशन एग्जांपल 60 इन दैट केस अगेन इस केस में नंबर ऑफ रोस कितने 4 रो मींस कोई भी पैटर्न डिस्प्ले करने के लिए ऑलवेज आपको 3 केस एनालाइज करना है मींस नंबर ऑफ इटरेशंस ऑफ आउटर लूप नंबर ऑफ इटरेशंस ऑफ इनर लूप्स नंबर ऑफ और कंडीशन टू द इफ इस केस में आउटर लूप को कितनी बार चलाएंगे आउटर लूप के इटरेशंस डिपेंड करें नंबर ऑफ रो रो कितने इस केस में 4 बट सपोज दैट सेम केस मुझे एन के फॉर्म में राइट डाउन करना है हेयर वी आर कंसिडरिंग एन वैल्यू इज 4 इसलिए कंडीशन के अप्लाई करेंगे आई लेस देन इक्वल्स टू एन अगर एन का वैल्यू 4 एंटर किया है देन नेक्स्ट वन कॉलम्स के केस में कंडीशन आ गई टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 7 अगर रो 4 हैं देन कॉलम्स कितने रिक्वायर्ड हैं 7 अगर रो 5 हैं देन कॉलम्स कितने रिक्वायर्ड होंगे 9 रो 6 है देन 11 लाइक दैट तो एवरी टाइम इस केस में रिलेशन क्या क्रिएट हो रहा है 2 इस अगर एन वैल्यू क्या है नंबर ऑफ रोज देन इस केस में कॉलम्स के लिए वैल्यू ऑफ फॉर्मूला कैलकुलेट करें 2 इंटू एन माइनस 1 इनर लूप अगेन कितनी बार चलाने की जरूरत है जे लेस देन इक्वल्स टू 2 इंटू एन माइनस 1 मीन्स रिमेनिंग पूरा प्रोग्राम सेम रहेगा ओनली चेंजेस केस में करना है मीन्स देखा जाए तो प्रीवियस केस में आउटर लूप कितनी बार चलाया था एन टाइम्स और इनर लूप कितनी बार चलाया था 2 इंटू एन माइनस 1 टाइम्स मीन्स इस केस में लूप्स में अभी कोई भी चेंज नहीं ओनली चेंजेस क्या करना है इन साइड दिस इफ कंडीशन चेक करेंगे इस केस में इफ कंडीशन क्या रिक्वायर्ड है इस केस में अगेन स्पेस डिस्प्ले क्या कराना है लेफ्ट साइड लोअर लेफ्ट और लोअर राइट लोअर लेफ्ट एंड लोअर राइट एट ए टाइम एक ही कंडीशन कैलकुलेट करें इस केस में 2 डिफरेंट फ्रेम प्लेसेस पर स्पेसेस रिक्वायर्ड इसलिए टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस भी कितने रिक्वायर्ड हो 2 कंडीशंस देन दोनों कंडीशन सेपरेटली कैलकुलेट करने के बाद देन दोनों कंडीशंस को कंबाइंड करेंगे यूजिंग और ऑपरेटर्स क्योंकि एट ए टाइम या तो आपको लेफ्ट के लिए कंडीशन 2 रिक्वायर्ड या फिर राइट के लिए हो सकता है दोनों कंडीशन एक साथ दोनों के लिए सेटिस्फाई ना हो एट ए टाइम एक सिंगल कंडीशन सेटिस्फाई होना कंपलसरी है इसलिए इन दोनों कंडीशन को मर्ज किसके थ्रू करेंगे यूजिंग और ऑपरेटर फर्स्ट वन फर्स्ट केस में रिलेशन क्या क्रिएट हो रहा है इन दैट केस एवरी वैल्यू ऑफ आई इज ग्रेटर देन जे मीन्स इस केस में आई के सारे वैल्यू इस केस में फर्स्ट वन आई वैल्यू क्या है 2 के केस में चेक करें 2 ग्रेटर देन 1 3 ग्रेटर देन 1 2 4 greater than 1, true. 3 greater than 2, true. 4 greater than 2, also true. Remaining case में, same as, one more case, 4 greater than 3. Remaining cases में, कहीं भी i value j से बड़ा है क्या? नहीं. या तो i का value j से छोटा या j के equivalent, not a greater. इसलिए, first case में condition क्या apply कराएंगे? i greater than j. इस i greater than j इस condition को apply करके only लोअर साइड में लेफ्ट स्पेस कंसीडर करना पॉसिबल देन व्हाट अबाउट राइट साइड राइट साइड के केस में रिलेशन क्या है इस केस में आई और जे को ऐड किया जाए फर्स्ट केस में एडिशन क्या रहा है जब एन का वैल्यू 4 है उस केस में एडिशन क्या रहा है 7 प्लस 2 इज 9 नेक्स्ट टाइम 6 प्लस 3 इज ऑल्सो 9 4 प्लस 5 इज ऑल्सो 9 4 प्लस 6 इज 10 सेम एज 4 प्लस 7 इज 3 प्लस 7 इज 10 एंड 11 इस मिनिमम सम क्या रहा 9 इस केस में सारे के सारे सम कैसे हैं ग्रेटर देन 8 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 ऑल केसेस रिमेनिंग केसेस में एडिशन क्या है इस केस में क्या है 1 प्लस 7 2 प्लस 6 3 प्लस 5 4 प्लस 5 इन सभी के सम क्या रहा है 8 और रिमेनिंग केस में क्या है 8 से स्मॉल इस केस में इसका मीनिंग क्या है या तो रिमेनिंग केसेस में सम या तो 8 के इक्वलेंट है 8 से स्मॉल है फाइनल इस केस में कंडीशन क्या बन जाएगा इफ एन वैल्यू इज 4 देन इस केस में रिक्वायर्ड क्या 2 इंटू एन सिंपली 2 इंटू एन और ऑपरेटर कंडीशन क्या अप्लाई कराएं इस केस में i प्लस j सम ऑफ i एंड j इज ग्रेटर देन 8 8 को डायरेक्टली राइट ना करके 8 के प्लेस पर राइट डाउन क्या करेंगे 2 इंटू एन 8 के प्लेस पर क्या जाएगा 2 इंटू एन अगर एन का वैल्यू 4 है देन 4 मल्टीप्लाई बाय 2 बिकम्स 8 अगर एन का वैल्यू 5 है देन 5 मल्टीप्लाई बाय 2 बिकम्स 10 लाइक दैट इसे पर्टिकुलर केस इस केस में किसी पर्टिकुलर पैटर्न्स और गिवन से एन के किसी भी वैल्यूज के लिए डिस्प्ले कराना पॉसिबल है